बहुत से लोगों को लगता है कि वो बिल्कुल सादा और पौष्टिक आहार खाते हैं, फिर भी उन्हें सेहत संबंधी कोई ना कोई दिक्कत रहती है। लेकिन ऐसा होने के पीछे की वजह आपके खानपान की कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं, क्योंकि कई बार हम चीजों का सेवन संतुलित मात्रा में नहीं कर पाते। उन्हीं में से एक आयोडीन तत्व है, जो शरीर के लिए बहुत जरूरी है। इसी तत्व की बदौलत थायराइड फंक्शन नियमित रहता है। वहीं यह तत्व अगर शरीर में कम हो जाए तो मानसिक व कई शारीरिक दिक्कतें आने लगती हैं। इसकी कमी के चलते दुनिया में प्रतिवर्ष लाखों बच्चे सीखने की कमजोर क्षमता के साथ पैदा होते हैं, क्योंकि उनकी माओं ने प्रेगनेंसी टाइम में भोजन में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा नहीं ली होती। आयोडीन की मदद से गर्दन के पास पाए जाने वाली थायराइड ग्रंथि विकास के लिए जरूरी हार्मोन पैदा करती है, लेकिन जब कमी होती है तो यह हार्मोन गड़बड़ा जाते हैं, जिससे विकास रुक जाता है, जिससे थायराइड हो सकता है, इम्यून सिस्टम खराब हो सकता है, बच्चे की हाइट व मानसिक विकास रुक सकता है, हार्ट संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, डिप्रेशन, बांझपन और गर्भपात का खतरा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। चलिए आपको बताते हैं, अगर शरीर में आयोडीन की कमी है तो कैसे लक्षण दिखेंगे। शरीर में कमजोरी आना, वजन बढ़ना, थकान महसूस होना, ठंड लगना, त्वचा रूखी और बालों का झड़ना, हार्ट बीट धीमी होना, याददाश्त कमजोर, गले में सूजन, मासिक धर्म अनियमित होना, प्रेगनेंसी के दौरान समस्याएं, अधिक नींद आना इसके संकेत हैं। आयोडीन की कमी का पता लगाने का टेस्ट। यूरिन या ब्लड टेस्ट से आयोडीन की कमी का पता लगाया जा सकता है। वहीं आयोडीन पैच टेस्ट के जरिए भी इसका पता लगाया जाता है। आयोडीन की कमी दूर करने वाली डाइट। आलू, तुर्की, दूध, अंडा, दही, केला और स्ट्रॉबेरी को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। इसके अलावा मछली, मेवे, डेयरी उत्पाद में भी प्रचुर आयोडीन होता है। अगर फिर भी आहारों से इसकी कमी पूरी ना हो पा रही तो डॉक्टर की सलाह से आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। नमक भी इसका एक तरीका है, लेकिन वो नमक आयोडीन युक्त होना जरूरी है। आपको हमारा ये पैकेज कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें।